हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि sec स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखो दोस्तों, जब हम इनको चेंज करेंगे तो हमारा जो इससे पहले एक्सरसाइज हमने बताई है कि जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको बदलते हैं, क्वाड्रेंट जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले तो साइन इसी एक को ही बदलना है हमें, ये हमारा जो है ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो साइन स्क्वायर को मैं बदलूंगा है ना, और 90 माइनस इसको 90 में से कितना माइनस करें कि साइन जो है 63 आ जाए, तो 27 डिग्री माइनस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्लस कॉस जो है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये ऐसे लिखा लेने देंगे, अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस, इसको भी चेंज कर लेंगे, 19 माइनस 73, 19 में से 73 डिग्री गया तो 17 ही बचेगा आपका। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन 90 भी चेंज हो जाता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे ही रहेगा, अपॉन कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चूंकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अब यहाँ एंगल दोनों सेम होने चाहिए जब ये 1 होगा, तो यहाँ 27 है, यहाँ भी 27 है, और साइन और कॉस ही आ रहे हैं तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से 73 एंगल दोनों सेम है और साइन और कॉस आ रहा है, ये भी 1 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, मतलब थर्ड के सेकंड पार्ट की। अब इन दोनों में साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो हम बदलेंगे, इधर बदल देते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री, इधर हमने साइन को बदल दिया कॉस 65 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, प्लस यहां पे जो है कॉस 25 डिग्री और कॉस को ही तो बदलेंगे, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, हमने किसी एक एंगल को ही बदला है, यानी हमने 25 वाले को बदला है, 25 वाले को यहां बदलेंगे, एक एंगल को बदलेंगे, चाहे वो फिर साइन हो चाहे कॉस हो, तो साइन 90 पे चेंज कॉस 65 डिग्री हो जा रहा है, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस साइन हो जाएगा साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब cos 65 cos 65 तो cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस ये sin 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 स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा आपका, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां दोनों एंगल सेम है 65 65 और sin और cos ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है,